नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है मैंने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीएसटी लगाने का प्राविधान किया था। जीएसटी पंजीकरण संख्या में जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी ये सीरीज है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने अंक होते हैं? 15। और अगर आपसे पूछ दे आधार कार्ड के पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं, तो आप बताएंगे 12। अगर आपसे पैन कार्ड का पूछ दे तो पैन कार्ड में बताएंगे 10। अगला क्वेश्चन देखें, जीएसटी चोरी करने पर कितने वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है? 5 वर्ष का कारावास आपको हो सकता है, और पेनाल्टी जो लगेगी वो अलग से लगेगी। अभी कानपुर के एक व्यापारी को, जिन्होंने बहुत सारा टैक्स चोरी किया है कई करोड़ों रुपए का, उनके ऊपर 5 साल की कार्यवाही से काम नहीं चलने वाला। आगे देखते हैं, जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो टोटल जीएसटी परिषद जो जीएसटी कमिटी है उसमें 33 मेंबर्स को शामिल किया गया है। भारत के किस राज्य में जीएसटी 1 जुलाई से लागू नहीं हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? तब उस समय जम्मू कश्मीर भारत का पूर्ण रूप से हिस्सा नहीं था। बाद में जब ये धारा हटाई गई जम्मू कश्मीर की, फिर इस पर नॉर्मल रूप से जीएसटी अप्लाई किया गया, जो जुलाई में नहीं लागू हो पाया था, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई को ही लागू करवाया गया था। जीएसटी लागू करने का डेट 1 जुलाई है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? तो फ्रांस था, और उसने 1954 में ही जीएसटी अप्लाई कर दी थी अपने देश में। अगला क्वेश्चन है, वह संविधान संशोधन, अच्छा किस संविधान संशोधन? तो 122वां संविधान संशोधन होगा। अगर नॉर्मली देखा जाए तो 101वां में आता है ये, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन जिसके अकॉर्डिंग होगा मारिएगा। वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया। अच्छा, भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने का डेट अभी हमने देखा 1 जुलाई जो कि 2017 को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद जीएसटी के प्रकार देखेंगे तो जीएसटी 3 प्रकार की है, स्टेट, सेंट्रल और इंटरनल। अच्छा, एक करों की जो व्यवस्था है वो भी 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। तो ये जो जीएसटी है ये एक तरह का अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। यह जीएसटी आपको दिखाई देने वाली कर नहीं है, इसको अपरोक्ष रूप से ले लिया जाता है, मतलब किसी वस्तु के साथ उसमें ऐड करके, वस्तु और सेवा कर है ये, तो ये उसी के साथ ले लिया जाता है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में लिया जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसको आप सीधे तौर पे आपको बता करके लिया जाए। जीएसटी के प्रकार, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता जी थे, इन्होंने ही जीएसटी का बिल का प्रारूप तैयार किया था, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। अगला क्वेश्चन, जीएसटी बिल पर राज्यसभा तथा लोकसभा ने क्रमशः अपनी सहमति पारित की, तो 3 अगस्त 2016 और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा और लोकसभा ने अपनी सहमति पारित कर दी थी। जीएसटी की दरें, 5 तरह की जीएसटी की दरें हैं। ऐसे उत्पाद जिन पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी, ऐसी वस्तुएं जिन पर 5%, 12%, 18% और वो जो लग्जरी चीजें हैं उन पर 28% तक का टैक्स वसूला जाना है। ऐसी वस्तुएं जिन पर 28% का टैक्स लेना है, वो भारत में जो सेवाएं और वस्तुएं हैं उनकी परसेंटेज में देखी जाए मात्रा, तो 19% ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर टोटल 28% का टैक्सेशन होना है, टैक्स लिया जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका,
जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? तो सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी थी और 1 जुलाई 2017 को इसको पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया? तो अनुच्छेद 279A के तहत इस परिषद का गठन किया गया था। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? ये समिति याद रखिएगा, बार बार कई सारी चीजों की समितियों के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। विजय केलकर समिति जीएसटी का सुझाव देने वाली समिति रही है और असीम दास जी इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। असीम दास जी कौन थे? इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे असीम दास गुप्ता जी। आगे चलते हैं, जीएसटी लागू होने के बाद जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 2% और अभी हमारी जीडीपी -2% में चल रही है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष बहुस्तरीय, क्योंकि 0%, 5%, 12%, 28% इस तरह से यह बहुस्तरीय है और गंतव्य आधारित है। यह किस विभाग से लिया गया, कहां दिया गया, ये लेन देन से रिलेटेड है पूरी तरह। अप्रत्यक्ष कर है, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। वे प्रमुख वस्तुएं तथा सेवाएं जो जीएसटी के दायरे से बाहर हैं, जिन पर जीएसटी नहीं लगाई जाती, शराब, पेट्रोलियम, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी सेवाओं पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर तथा अधिभार की संख्या क्रमशः है 17 अप्रत्यक्ष कर हैं और 2 तरह का शेष है। उस कर पे भी कर लगाया जाता है, कर के ऊपर जब कर लगाया जाता है तो उसको अधिभार कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ? जम्मू कश्मीर में जीएसटी 7 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जीएसटी से रिलेटेड ये सीरीज थी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ध्यान से इसको देखिएगा, रिवाइज करिएगा। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का फिर से मैं एक बार धन्यवाद करता हूँ। किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम होती है वीडियोस को लेके या इसमें पढ़ाए जाने वाले कंटेंट से, तो एक बार हमें कमेंट जरूर करिएगा। आपके फीडबैक से हमें आगे कैसे कार्य करना है यह जानकारी बड़े स्पष्ट रूप में मिलती है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। ठीक है, धन्यवाद एक बार फिर आप सभी का। आपका दिन शुभ हो।